विमल कुकिंग चलन में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाऊंगी प्याज के पकोड़े। पहले हम प्याज को काट के छील के साफ कर लिया है और पतले पतले स्लाइस में काट लिया है। अब इसके हम खोलेंगे लच्छे ऐसे हाथों से मसल मसल के। अब हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच बेसन, 1 चम्मच चावल का आटा, अजवाइन क्रश करके थोड़ी सी, धनिया पाउडर, हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी गरम मसाला, डालेंगे धनिया और 2 हरी मिर्च। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि प्याज पानी छोड़ेगी। बैटर हमारा हो गया बनके रेडी। और अब हम रखेंगे गैस पे कढ़ाई, उसमें डालेंगे ऑयल, अब पकौड़े प्याज के डालना शुरू करते हैं।
अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। पकौड़े हमारे बनके रेडी हो चुके हैं। अब इसको ट्रांसफर करते हैं प्लेट में। पकौड़े बनके रेडी हो गए हैं प्याज के।